Assalamu alaikum and welcome to Psychic Learning Academy. I am Fatma Shakil and I will teach you about sports psychology. So our first lecture is about the history and definition of sports psychology. Sports psychology basically एक science है जहाँ पर principle of psychology apply होते हैं sports में और exercise setting में. इसलिए अप्लाई होते हैं ताकि परफॉर्मेंस को, एथलीट की परफॉर्मेंस को हम लोग इम्प्रूव कर सकें और स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को एज अ टूल हम यूज़ करें ह्यूमन की इम्प्रूवमेंट के लिए. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपके पास स्टडी करती है अफेक्ट ऑफ साइकोलॉजिकल और इमोशनल फैक्टर को जो स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस में इन्वॉल्व होते हैं और उसको इफ़ेक्ट करते हैं. जब हम इमोशनल और साइकोलॉजिकल फैक्टर को स्टडी करेंगे और उन्हें बेहतर बनाएंगे तो ये ओवरऑल एथलीट की परफॉर्मेंस को अच्छा करेगी. हिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी. स्पोर्ट्स साइकोलॉजी आपके पास एक डिस्टेंट फील्ड ऑफ साइकोलॉजी है जो अभी अभी इवॉल्व होना ज़्यादा स्टार्ट हुई है. सबसे अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर बात करें तो पहला जो स्पोर्ट रिसर्च था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में रिसर्च जो कंडक्ट किया गया था वो 1897 में कंडक्ट किया गया था जहाँ पर फील्ड ऑब्जर्वेशन की गई थी और सेकेंडरी डेटा पे रिसर्चर्स ने कहा था कि अगर कंपेटिटर्स हों तो वहाँ पर बेटर साइकिलिंग परफॉर्मेंस हो सकती है. तो इस तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की जो पहली लेबॉरेटरी थी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की वो इस्टेब्लिश की गई थी बाय कोहमन रॉबर्ट ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑफ इलियोनस इन 1925 में. फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रैंकलिन एम हेनरी ने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और जॉन लॉथर एट पेनिसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी आर्थर स्लैटर हैमल एट इंडियाना यूनिवर्सिटी इन लोगों ने ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज को शुरू किया और रिसर्च लेबॉरेटरीज अपनी अपनी बनाई. 1950 से 1980 तक ये प्रोडक्टिव ईयर या एफिशिएंट ईयर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी के कंसिडर किए जाते हैं जहाँ पर आपके पास नंबर ऑफ बुक्स और टेक्स्ट बुक्स लिखी गई और पब्लिश की गई. सब कुछ अर्ली टेक्स्ट बुक्स थी जहाँ पर साइकोलॉजी ऑफ कोचिंग जॉन डी लॉथर ने लिखी, प्रॉब्लम ऑफ एथलीट्स एंड हाउ टू हैंडल दैम बाय ब्रूस ओग्लिव एंड टॉम टुक्टो 1966 इन्होंने पब्लिश की. फिर इसी तरह कुछ रिसर्च इनिशिएटिव लिए गए, रिसर्च आपके पास काम किया गया जहाँ पर वार्नर जॉनसन्स का काम है हिप्नोसिस पर एंड एथलेटिक परफॉर्मेंस 1960 में. इस तरह टेस्टिंग ऑफ एंगजाइटी इन्वेंट्रीज जो राइनर मार्टिन्स ने 1970 एंड 1980 में बनाई थी और एल्बर्ट कैरन ने एंड पी चलाडुराय वर्क्स विद स्पोर्ट लीडरशिप एंड टीम कोहेशन यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर रिसर्च को इनिशिएटिव दिया. नेक्स्ट सब टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. तो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन इवॉल्व होना स्टार्ट हुई 1950s टू 1960s के बाद और 1965 में द इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ISSP जो है कि डेवलप हुई और इसने प्रमोट की और डिस्ट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन कि कैसे प्रैक्टिस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी हम थ्रू आउट द वर्ल्ड कर सकते हैं. इसके बाद नॉर्थ अमेरिका में स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट का ग्रुप कैनेडा और यूनाइटेड स्टेट्स में उन्होंने काम किया और वहाँ पर अपनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बनाई और 1966 में उनको ISSP से रिकग्नाइज किया गया. फिर इसके बाद जो ऑर्गेनाइजेशन थी नॉर्थ अमेरिका में उसको नॉर्थ अमेरिकन सोसाइटी फॉर द साइकोलॉजी ऑफ स्पोर्ट एंड फिजिकल एक्टिविटी NASPSPA कहा गया और यहाँ पर किस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाता था कि कैसे एकेडमिक सोसाइटी फोकस कर सकती है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में. फिर इसके बाद इसी सोसाइटी ने हमारे पास जो रिसर्चेस थी वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर की, स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी पर, मोटर लर्निंग पर, मोटर कंट्रोल एंड मोटर डेवलपमेंट कि किस तरह हम लोग इन चैलेंजेस को मीट कर सकते हैं, इनमें ज़्यादा एफिशिएंसी ला सकते हैं और ये किस तरह एथलीट की परफॉर्मेंस को आपको इन्हेंस और इम्प्रूव कर सकते हैं. फिर इस सोसाइटी की और या इस ऑर्गेनाइजेशन की
एमर्जेंस के बाद यूनाइटेड स्टेट्स में एक और सोसाइटी आपके पास प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आई, जहाँ पर उसको कनाडा में 1969 में, और इसको कैनेडियन सोसाइटी फॉर साइकोमोटर लर्निंग एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी CSPLSP कहा गया। अब ये यहाँ पर किस चीज़ पर फोकस करती थी कि यहाँ पर कैसे इंटरेस्ट और नीड्स जो आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट की हैं उनको मीट किया जाए और उनको एड्रेस किया जाए, और किस तरह आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी को अप्लाई किया जाए। तो ये जो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी AAASP फॉर्म्ड एंड इन द फॉल ऑफ 1985, यानी विंटर में ये बनी, और इसकी इमर्जेंस थी वो 1990 में डोमिनेंट हो गई और डेवलपमेंट ऑफ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी नॉर्थ अमेरिका में और पूरे वर्ल्ड में। ये तो वो सोसाइटीज़ या ऑर्गेनाइजेशंस थी जहाँ पर स्पेशलाइज्ड तरीके से स्पोर्ट्स साइकोलॉजी को और उसके इंटरेस्ट को मीट करने के लिए डिफरेंट तरीके अपनाए जा रहे थे। लेकिन इसी तरह अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन ने भी अपनी एक डिवीज़न बनाई, 47th डिवीज़न 1968 में, जो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी पर उसके प्रिंसिपल्स पर वर्क कर रही है। फिर इश्यूज ऑफ सर्टिफिकेशन, यहाँ पर किन लोगों को हम लोग कह सकते हैं कि वो सर्टिफाइड हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, तो क्या वो, तो वो लोग होते हैं जिन्होंने डिसिप्लिन फ्रॉम फिज़िकल एजुकेशन में आए हों, क्योंकि हिस्टोरिकली आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इमर्ज हुआ था फिज़िकल एजुकेशन के डिसिप्लिन से। तो जो AAAPA ने इस इशू को के लिया कि किस किन लोगों को हम लोग सर्टिफाइड कंसल्टेंट कह सकते हैं कि वो सर्टिफाइड आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हैं, तो एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ अप्लाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी ने कहा कि वो लोग, उनको हम लोग सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट मानेंगे जिनके पास एक डॉक्टरेट डिग्री हो ईदर साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी या फिज़िकल एजुकेशन में। और फिर जो लाइसेंस्ड और अनलाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट हैं वो अगर इस क्राइटेरिया को मीट करेंगे तो तभी वो उन्हें सर्टिफाइड स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहा जा सकता है। नेक्स्ट सब टॉपिक है व्हाट डज द स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट डू। अब इसके फंक्शन या रोल्स कैटेगरीज इनको हम लोग क्लिनिशियन, एजुकेटर्स और रिसर्चर्स में डिवाइड कर देते हैं। तो जो क्लिनिकल या काउंसलिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनका काम होता है कि वो इंडिविजुअल की या एथलीट की इमोशनल और पर्सनालिटी प्रॉब्लम्स को दूर करें ताकि वो उसकी परफॉर्मेंस को अफेक्ट ना करें। अब ये जो हैं कि लाइसेंस्ड साइकोलॉजिस्ट होते हैं, क्लिनिकल काउंसलिंग स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है। द एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट ये फिज़िकल एजुकेशनिस्ट होते हैं, यानी फिज़िकल जो एजुकेशन में इनके पास डिग्री होती है, और ये एजुकेशनल स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट कहलाते हैं। इनका काम होता है कि ये एजुकेट करें करेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट एंड एक्सरसाइज टू एथलीट एंड कोचेस, जिससे वो अपनी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट कर सकें और अपनी परफॉर्मेंस को एनहेंस कर सकें। ये एथलीट को, चाहे वो यंग हो या ओल्ड, उसे बताते हैं कि किस तरह वो स्पोर्ट को इंजॉय भी कर सकता है और अपनी लाइफ क्वालिटी को इम्प्रूव भी कर सकता है। फिर आपके पास आ जाते हैं नंबर थर्ड पे, द रिसर्च स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट। यहाँ पे ये रिकॉग्नाइज्ड और रिस्पेक्टेड साइंस की एक फील्ड है जहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी और एक्सरसाइज यहाँ पर ग्रो करते हैं। ये साइंटिस्ट होते हैं या स्कॉलर्स होते हैं जहाँ पर स्पोर्ट्स साइकोलॉजी की प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए वो डिफरेंट स्पोर्ट जो आपके पास टॉपिक्स होते हैं उन पर रिसर्च करते हैं और बताते हैं कि किस तरह पर्सनालिटी, कॉग्निशन और इमोशनल फैक्टर्स को हम लोग सर्व करके किसी भी एथलीट के परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकते हैं। नेक्स्ट सब टॉपिक है हमारे पास अक्रेडिटेशन इशू इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। इसमें कहें कि इश्यू क्या है कि कौन सा क्वालिफाइड आपके पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट है जिसको हम एड्रेस कर सकते हैं कि वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में हमारी मदद करे, तो ये AAASP ने
इस प्रोग्राम को या इस इशू को, इस सर्टिफिकेशन के प्रोग्राम को हैंडल किया है, उसने बताया है कि कौन से लोग जो क्वालिफाइड होते हैं या वो एज ट्रेन स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट काम कर सकते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया है कि एक्रेडिटेशन इज द ओनली वे टू इंश्योर क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ एकेडमिक ट्रेनिंग। जो स्टूडेंट ग्रेजुएट कर रहे हैं एक्रेडिटेड प्रोग्राम से, वही सिर्फ सर्टिफाइड होंगे, AAASP कंसल्टेंट कहलाएंगे, और वो आपके पास ट्रेन स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट कहला सकते हैं। फिर मल्टी ट्रेनिंग इशू इन स्पोर्ट साइकोलॉजी। अब आपके पास डिफरेंट लोग आ रहे होते हैं स्पोर्ट साइकोलॉजी पढ़ने के लिए या एज एन एथलीट्स, तो आपको उनको क्या करना होता है कि जो स्पोर्ट साइकोलॉजिस्ट होता है वो ये इशू को बहुत ही सेंसिटिवली हैंडल करता है, क्योंकि डिफरेंट कल्चर्स के लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी रेस डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर आपको मल्टी कल्चरल काउंसलिंग क्या कहती है कि काउंसलिंग जहाँ पर आप डिफरेंट लोगों की करते हो, क्योंकि वो डिफरेंट बैकग्राउंड से आए होते हैं, तो स्पोर्ट्स काउंसलिंग है ये या स्पोर्ट्स साइकोलॉजी है, तो हम यहाँ पर स्पोर्ट्स के अकॉर्डिंग लोगों को उनके कल्चर्स के अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो पहला आपके पास इसमें फोर स्टेप्स हैं या फोर डोमेन्स हैं। पहला है कि आपको हाइटेंड अवेयरनेस यानी बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होनी चाहिए अपने कल्चर की और दूसरे कल्चर्स की जिनसे बिलोंग कर रहे हैं एथलीट्स या आपके स्टूडेंट्स। सेकेंडली आपको पता होना चाहिए, आप गेन नॉलेज करें उन लोगों के बारे में जो डिफरेंट कल्चर्स या आप लोगों के पास डिफरेंट रेस से बिलोंग कर रहे हैं, उनसे उनकी पर्सनालिटी के बारे में नॉलेज गेन करें। थर्ड है कि आप लोग लर्न करें ऐसी इंटरवेंशंस को, ऐसी हेल्पिंग स्किल्स को जिससे आप रोल प्लेइंग और स्टिमुलेटेड इंटरेक्शन कर सकें उनके साथ, और उनके साथ करने के बाद उन्हें बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ माइल कर सकें। और फाइनल जो आपके पास है उसमें आप लोगों ने ये करना है कि आप लोगों की एक सुपरवाइज्ड प्रैक्टिकम हो, यानी आप लोगों को कोई सुपरवाइज करे ताकि आप जितने भी डिफरेंट कल्चर या डिफरेंट रेस के लोगों के साथ वर्क कर रहे हैं तो आपके पास एक एक्सपीरियंस हो कि किस तरह आप मल्टी कल्चरल लोगों को या एथलीट्स को आप लोग हैंडल कर सकते हैं। थैंक यू। ये हमारा पहला लेक्चर था स्पोर्ट्स साइकोलॉजी का।